क्यों किसी और के साथ निकाह कर रहे थे? बर्दाश्त कर सके कर लूंगा चाहे अभी इसी वक्त हो जाऊंगा तुम्हारा। बोलो मनाहिल। हाँ कह दो, अब फैसला तुमने करना है। प्लीज मनाहिल, कामरान क्या हुआ? पता नहीं, शाहजैन फोन रिसीव नहीं कर रहा और बाबा गुस्सा कर रहा। परेशान करके रख दिया इस लड़के ने। ऐसे कौन करता है? अपनी शादी में से उठ के चला गया। पता नहीं यार, क्या हुआ, कहाँ गया था? पता नहीं बाबा, वो फोन रिसीव नहीं कर रहा। तुमने उसे जाने क्यों दिया? लोग उसका पूछ रहे, क्या जवाब दो? बाबा वो आ जाएगा, आप प्लीज टेंशन मत लें। अबे भोले साहब कहाँ है? वो मैंने बताया था ना, दोस्तों के साथ है, बस आ रहे। ये बात तो मैं पिछले कोई आधे घंटे से सुन रहा हूँ। शाहजैन है कहाँ, यानी पता भी तो चले ना। आखिर आप लोग क्या छुपा रहे हैं? कुछ नहीं छुपा रहे साजिद, जब मैं कह रहा हूँ ना कि शाहजैन आ जाएगा तो आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लो। अरे इंतजार तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन पता भी तो चले कि मामला क्या है। यानी दुल्हन वहां अकेली बैठी हुई है और दूल्हा लापता है। साजिद क्या हो गया यार, आराम से बात करो, लोग पता नहीं बिला वजह क्या क्या सोचेंगे। मेरा लहजा तो ऐसे ही है, अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो इससे ज्यादा गुस्सा करता। यानी माना कि फरियाल यतीम जरूर है, मगर बेआसरा नहीं है। कोई भी हक तलफी हुई ना तो मैं जरूर बोलूंगा। देखा, थोड़ा लेट हो गया ना तुम, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मेरा तो दिल कहता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर रहा होगा। तुझे सब खबर है, तुझे सब पता, मेरा हर नफ्स है कोई कफस, जो तेरी रजा हो वही मेरी चाह। मैं कह रही इतनी सी है मेरी इल्तिजा, कोई रास्ता हो निजात का। मैं कह रही इतनी सी है मेरी इल्तिजा, कोई रास्ता हो निजात का। Oh
शाज़ेन तुम कहाँ हो? भाभी रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। तुम्हें पता भी है शाज़ेन यहाँ पे सब कितने परेशान है, तुम फोन भी नहीं अटेंड कर रहे हो किसी का। मुझे फोन दो। शाज़ेन क्या तरीका है? बहन बहुत दो दिन ना पड़ गए, पापा की तबीयत बहुत खराब है, वो कब से पूछे तुम्हारा? भाई मैंने कहा ना मैं रास्ते में हूँ, पहुंच रहा हूँ। तुम अभी इसी वक्त यहाँ पहुंचो बल्कि गाड़ी को उड़ाते भी लेकर आओ, शर्मिंदा करवा के रख दिया तुमने। भाई कहा ना आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, पहुंच रहा हूँ। गुस्सा तो ना करें ना, जल्दी आओ। आप प्लीज बाबा को जाके कहें कि वो आ रहे ताकि उनको थोड़ा सा टेंशन ना हो ना इतनी। बता क्या? टेंशन की कोई भी बात नहीं है, अभी बात हुई हमारी शाज़ेन से, वो एक्चुअली ट्रैफिक जैम में फंस गया था। बहुत शर्मिंदा है कि उसकी वजह से इतनी देर हो रही है, बट ही इज कमिंग। ओके मैं आती हूँ। ओके शाज़ेन, शुक्र है तुम वापस आ गए। अभी दोस्त को रिसीव करने गया था, मैंने आपको बताया तो था भाई, दो घंटे के लिए आया था बस, वो थोड़ा वक्त गुजारा उसके साथ, अब वो अगली फ्लाइट से वापस चला गया। कहाँ थे फिर, क्या करके आए हो? तुम्हें कोई एहसास भी है कि मेहमानों के सामने हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है? आज के दिन भी तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। पापा पापा अभी रहने दे, सब देख रहे, बाद में। देखो मेरा इम्तिहान मत देना, तुमसे रिक्वेस्ट है। पापा चले, रुखसती का टाइम हो गया, वैसे बड़ी देर हो गई। चलो आ जाए। मॉम, पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा, इब्राहिम अंकल इतना गुस्सा कर रहे होंगे शाज़ेन पे। मनाहिल, अगर मेरा बेटा भी किसी दूसरी लड़की से शादी के दिन जाकर निकाह कर ले तो मैं भी गुस्सा होती ना, बल्कि मैं तो शायद उसे घर से ही निकाल देती। ऐसे तो ना बोले, अल्लाह ना करे ऐसा हो कुछ। काश के तुमने मेरी बात मान ली होती और तुमने मंगनी ना तोड़ी होती तो आज तुम दोनों की शादी धूमधाम से हो चुकी होती। बस वही गलती सही करने के लिए ये निकाह किया है मॉम, लेकिन मुझे शाज़ेन को अकेला नहीं भेजना चाहिए था, मुझे साथ जाना चाहिए था उसके। शुक्र है कि शाज़ेन तुमसे ज्यादा अकलमंद है जो तुम्हें साथ लेके नहीं गया, वरना मुझे तो इब्राहिम भाई से कोई बईद नहीं है, पता नहीं क्या कर जाते। हाँ टेंशन हो रही है, पता नहीं फरियाल का क्या हाल होगा, वो दुल्हन बनी बैठी होगी पर शादी नहीं होगी, पता नहीं वो भी किस हालत में होगी बेचारी। हंगामा तो करेगी चालबाज लड़की, क्योंकि उसके हाथ से मौका तो जा रहा है अमीर बनने का। इस वक्त तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र है।
तुम दुआ करो कि सब ठीक हो जाए और इब्राहिम भाई तुम्हें बहू के तौर पर कबूल कर ले। लेकिन मनाहिल ये सब कुछ आसान नहीं है, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इसके सदके के पैसे हैं, इसकी नजर उतार ले। शाज़ेन की अभी तक कॉल नहीं आई, इतनी रात हो गई है, पता नहीं वहां क्या कुछ चल रहा होगा। नौशीन बेटा, फरियाल अभी तक क्यों बैठी हुई है, इसे कमरे में ले जाओ, थक गई होगी। बाबा बस वो खीर की रस्म होनी है ना थोड़ी देर में। नौशीन बेटा, ये रस्में कल भी हो सकती हैं, आज करना कोई फर्ज या वाजिब नहीं है, आराम करने दो उसे, चलो। भाभी बाबा सही कह रहे हैं, प्लीज और कोई रस्म मत कीजिएगा, मैं बहुत थक गया हूँ। ओहो दूल्हे मियाँ की बातें तो सुने कोई, तुम सुन रहे इसकी बात, चलो मेरे साथ आ जा। एक सेकेंड, एक जाओ चेंज करके आओ। सुना नहीं तुमने, I'll see you in a bit.
मैंने बहुत कोशिश की फरियाद, लेकिन मैं खुद को तुम्हारे लिए राजी नहीं कर पाया। बाबा को इनकार करने का हौसला नहीं था मुझे, करता भी तो उन्होंने मेरी कहां सुननी थी, इसीलिए मजबूरन शादी की तुमसे। लेकिन आई कांट डू दिस एनीमोर, सॉरी। इस जबरदस्ती के रिश्ते का बोझ मैं उठा सकता, सॉरी। मुंह दिखाए, भाभी ने दिया ये लेटर, सबका सामने करने का हौसला नहीं मुझमें। इस लेटर में मैंने सब कुछ लिख दिया, सुबह सबको पढ़वा देना, मेरा इंतजार मत करना। शाज़ेन उठ भी जाओ यार, मुझे इतनी बातें करनी है तुमसे, कितना सोते हो तुम? तुमने ठीक से बताया ही नहीं ये कल रात में क्या हुआ। इब्राहिम अंकल तुम्हारे इनकार करने पे कितना गुस्सा हुए होंगे। I'm really scared of him. Also, और उसके घर वालों ने कितना हंगामा किया। लेकिन संभाल लिया मैंने। But you know, I feel very guilty. Even though वो तुम्हें deserve नहीं करती, but still, I feel very guilty. क्या तुम सुबह सुबह उसकी बातें लेके बैठ गई हो? हमारे बारे में बात करते हैं ना। Let's talk about us. तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें हासिल करके इस वक्त मैं कितना खुश हूं। I'm so happy, so happy. And I'm so sorry. I know मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, पहचान ही नहीं पाई तुम्हारी मोहब्बत, मगर अब देखो यकीन ही नहीं आ रहा, we're husband and wife. लेकिन मुझे पूरा यकीन था, मैंने जो सोचा था, जिसकी ख्वाहिश की थी, हासिल करके ही दम लिया मैंने। अब देखना, सारी दुनिया की खुशियां तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा मैं। बस पापा इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएं। What? उन्होंने बताया नहीं अभी तक। कैसे बताता यार, मेरे इनकार करने पर इतना हंगामा खड़ा हो गया था वहां पे। खुद सोचो, मैंने बताया कि मैं निकाह करके आया हूं, बाबा खड़े खड़े मेरी जान ले लेते वहां पे। बस ये समझो, तुम्हारी खातिर खुद को दांव पे लगा के आ रहा हूं मैं। तुम फिक्र ना करो, डोंट वरी अबाउट इट। जब तक हम साथ हैं सब कुछ फेस कर लेंगे। सुनो, आशीन भाभी से बात करूं इस बारे में? नहीं नहीं नहीं, ये बेवकूफी करने का सोचना भी ना, मैं खुद मौका देके बात कर लूंगा उनसे। आई ट्रस्ट यू। पहले यही बात है कि तुम किसी और के लिए, एक फ्रयाल नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूं। Thank you.
नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था. You heard it wrong. अच्छा, okay. We'll talk about this later. वालेकुम अस्सलाम. जबरदस्त पी चाय. नहीं बेगम, चाय डालें यार, बहुत अशद जरूरत है. सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? आराम से उठ जाती. फरियाल, फरियाल क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? फरियाल क्या हुआ, प्लीज मुझे बताओ. शाहजहान मुझे छोड़ के चले गए. क्या क्या मतलब, चला कहाँ चला गया? शाहजहान, तुमने बहुत अच्छा किया जो अभी अपनी और मनाहिल की शादी के बारे में अपनी फैमिली से कोई जिक्र नहीं किया, वरना पता नहीं कोई कोहराम ही मर जाता. आंटी, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं खुद अपने घर वालों को इस शादी के बारे में ना बताऊँ, आप दोनों भी मत बताइएगा प्लीज. मनाहिल, शाहजहान बिल्कुल ठीक कह रहा है. लेकिन ये बात हम कब तक छुपाएंगे? हमने कोई गुनाह तो नहीं किया. लेकिन तरीका गलत था ना मनाहिल. आई एम श्योर कि शाहजहान की फैमिली को कितना दुख पहुंचा होगा और इब्राहिम भाई को कितना अफसोस हुआ होगा. मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने इतने रिश्तेदारों को, सारे मेहमानों को किस तरह से फेस किया होगा. बेहतर यही है कि इस मामले को ठंडा रखा जाए. जब मुनासिब वक्त आएगा तो हम बता देंगे. ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे. मैंने उन्हें बताया कि मैं फरियाल से शादी करना नहीं चाहता और इसलिए मैं कुछ अरसे के लिए अमेरिका चला गया हूँ. थोड़ी देर के लिए उनसे दूर रहूँगा तो शायद उन्हें मेरी कदर आ जाए और शायद वो फिर हमारे रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर लें. लेकिन तब तक मुझे एक अपार्टमेंट रेंट पे लेना होगा. कैसी बातें कर रहे हो शाहजहान? ये तुम्हारा अपना घर है और तुम पहले भी मेरे लिए फैमिली मेंबर की तरह थे. तुम दामाद नहीं हो, मेरी बेटी की तरह हो. थैंक यू आंटी. एक रिक्वेस्ट है मेरी आप दोनों से. घर से किसी का भी फोन है तो प्लीज अटेंडमेंट कीजिएगा. मैं नहीं चाहता कि उन्हें डाउट हो और मेरा सारा प्लान खराब हो जाए. प्लीज. बाबा, जानता हूं आप ये लेटर पढ़कर मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे, बहुत नाराज होंगे, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था. मैं फरियाल से शादी नहीं करना चाहता था. अगर आपको बार बार इनकार करने का हौसला नहीं था मुझ में, इसलिए मजबूरी में मुझे फरियाल से शादी करनी पड़ी. मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा, मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता. मैं यूएसए जा रहा हूँ. यहाँ रहूँगा तो आप सब मुझे प्रेशराइज करते रहेंगे और मैं ज़बरदस्ती ये रिश्ता नहीं निभा सकूँगा. सॉरी बाबा. बेशरम बेहया, इसने रिश्तों को खेल तमाशा समझा हुआ, मजाक समझा हुआ. बहुत ही घटिया हरकत की है वैसे उसने. लेट मी कॉल हिम. मैं जानता था, मुझे कल रात से खदशा था कि जरूर कुछ ना कुछ करेगा और वही हुआ. इस सोचा नहीं कि मुझ पर और फरियाल पर क्या गुजरेगी. नंबर ऑफ है उसका. उसने हमेशा मेरी नाफरमानी की है, मुझे दुख पहुंचाया है.
काश काश मुझे पता होता कि वो अपने बाप के मुंह पर इतना बड़ा थप्पड़ मार कर जाएगा तो मैं ये कदम ही न उठाता। बाबा बाबा प्लीज संभालें खुद को। कैसे संभालूं? कैसे संभालूं? मेरा नहीं तो कम से कम इस लड़की का ख्याल कर लिया होता जिसका बाप मेरा मरहूम दोस्त जिसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया था। कभी माफ नहीं करूंगा उसे, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। नौशीन क्या तुमसे भी उसने इस बारे में कोई बात नहीं की? नहीं कुछ नहीं बताया उसने मुझे, लेकिन जब वो निकाह के बाद गायब हुआ था तो कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कहा नहीं। ये अच्छा नहीं किया तुमने शाहजहां, अच्छा नहीं किया। मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया तुमने, अच्छा नहीं किया तुमने। आए आप बेटे। आप बेटे मैं उन्हें बता कर आती हूँ। ये नाश्ते का सामान है, ये ले जाओ। ओहो क्या हो गया है फौजिया, इन्हें क्यों दे रही हो? जाओ जाके साहब से कहो कि दुल्हन के घर वाले आए, नाश्ते का सामान हम उन्हीं को देंगे। जी। इन मुलाजमों का क्या भरोसा, पता चले कि आधी चीजें निकाल लें और खुद ही खा जाए। चलो रखो यहां सामान रखो। क्या गलती थी मेरी, किस बात की सजा मुझे दी है? अगर यही सब कुछ करना था तो फिर मेरी जिंदगी क्यों तबाह की? मुझे दुनिया के सामने क्यों तमाशा बनाया? यार बेटा मुझे माफ कर दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। कल आपने शाहजहां के साथ क्यों जबरदस्ती की? अगर वो शादी से राजी नहीं था तो फिर क्यों? तुम मेरा यकीन करो, वो खुद शादी के लिए राजी हुआ था, उसने खुद हाँ की थी। मैं तो ये समझा था कि वो बदल गया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो हम सब से बदला ले रहा है। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं और कोई नहीं है। मैंने अमानत अली से वादा किया था, तुम्हारी जिम्मेदारी ली थी। हम रोजे महशर में उसे कैसे नजरें मिलाऊंगा? साहब जी, फरियाल बीबी के बहन और बहनोई आए हैं नाश्ता लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई। बाबा आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। हाँ। सुने ये नाश्ता टेबल पे लगा दें। इब्राहिम साहब शाहजहां कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। वो शाहजहां दोस्तों के साथ बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। बाजी आप फैजी को नहीं लेके आए? फैजी को ले आती, वो थक के सोया था तो मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, खैरियत है? नहीं नहीं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। पहला नाश्ता है ससुराल का, आज तो कम से कम शाहजहां को घर पर होना चाहिए था। नाश्ता लग गया होगा,
चलें? पता नहीं वहां पे क्या हो रहा होगा, पापा तो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। फरियाल यही डिजर्व करती है। कॉफी? क्या सोचो? कुछ नहीं, थैंक्स फॉर दिस। मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते, क्या टेंशन है? कर के ही सोच रहा हूँ यार, और क्या। मैंने तो तुमसे कहा था कि उन्हें सब कुछ सच सच बता दो, तुम्ही ने कहा था कि तुम्हें कुछ वक्त चाहिए, तो अब सोच क्यों रहे हो? जो होना था हो गया। एक बात बताऊं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए इतनी टेंशन लोगे, लेकिन अब यकीन आ गया। थैंक गॉड। सच बताओ, फरियाल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। As in, end time पे तुमने उससे निकाह करने से इनकार कर दिया, उसे दुख तो हुआ, रोई होगी वो। चलो तुम उससे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन हमदर्दी भी नहीं महसूस होती तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। In fact, I hate her. हमेशा उसी की वजह से लोगों ने धुतकारा है मुझे, और तुम भी उसी की वजह से नाराज हो गई थी मुझसे। कल तक मैं उससे जेलस होती थी, मगर अब मुझे उससे डर लगने लगा। डर किस बात से? उसकी बददुआ से। वो इतने बड़े सदमे से गुजरी है, अगर उसके दिल से मेरे लिए कोई बददुआ निकल आई तो मैं रोने लगता। पहले लगता था, लेकिन अब यकीन हो गया कि इंसान अगर चाहे तो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है, और हमारा एक हो जाना इसी बात का सबूत है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। तीन दिन बाद वाली माया, क्या मुंह दिखाएंगे हम सबको? अच्छा ना पापा, रिलैक्स, आप अपनी तबीयत तो ना खराब करें ना। वो कहीं नहीं गया, यहीं कहीं छुपा बैठा है, मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूं। फरियाल को देखो, अपने ऊपर जबर करके खुद को संभाल रही है, सिर्फ हमारी इज्जत की खातिर। बाबा मैं मिनाहिल को कॉल करता हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। मिला मिला उसे, आई एम श्योर पता होगा वो कहां पर है। किसका फोन था? नहीं बाबा, फोन नहीं अटेंड कर रही वो। तुम फरद को फोन करो। हाँ, और सुनो, खत के बारे में बिल्कुल ना बताना। मैंने कहा था ना किसी का फोन नहीं उठाना। हाँ तो मैंने कॉल नहीं उठाई, रिलैक्स, क्या हो गया? हो गया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ कामरान, सब खैरियत है? जी जी खैरियत है। एक्चुअली आंटी, मुझे शाहजैन का मालूम करना था। मेरा ख्याल था शायद आप लोगों के यहाँ आया हो मिनाहिल से मिलने के लिए, फोन भी ऑफ है उसका। नहीं वो यहाँ तो नहीं है, क्योंकि मिनाहिल भी उसका पूछ रही थी। मगर हुआ क्या है कामरान? आंटी उसके ससुराल वाले आए हुए हैं, और उसका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर गए। ससुराल वाले? जी आंटी, उसकी कल ही तो शादी हुई है।
इनफैक्ट आप भी तो आई नहीं थी ना वहां पे। रुखसती के वक्त वो कहीं गायब हुआ था लेकिन बाद में आ गया था, अब फिर गायब हो गया है। हाँ वो मैं वहीं पे थी लेकिन कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए निकल गई मैं। एनीहाउ आंटी अगर आपको कुछ पता चले उसका तो प्लीज आप याद से इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ जरूर, खुदा हाफिज। Oh.